जय जिनेंद्र बच्चों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जय नर्सरी, देखो देखो ये दो बच्चों कैसे भगवान भगवान के पास जा रहे हैं। अपन भी जाएंगे ना, तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले अपन नमोकार मंत्र का उद्धारण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवेसाहुणम, ऐसु पंच नमकारो सर्व पाप विनाशनो, मंगलम बच्च सर्वे सिंह परमम हो गई मंगलम, परमम हो हुई मंगलम। आज अपन पढ़ेंगे जय नर्सरी। देव शास्त्र गुरु, ये अपने महावीर भगवान है। कौन से भगवान है बताओ? अपने महावीर भगवान है। देखो देखो ये लड़की भगवान को क्या बोल रही है, अपन भी सुनते हैं। चलो पास चलते हैं। जय 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 सच्चे देव की जय 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 सच्चे शास्त्र की जय 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 सच्चे गुरु की जय 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 वितरंग धन की जय जय जय। अब अपन पाठ करेंगे 3। सबसे पहले अपन बोलते हैं आत्मा है जीव। आपको जैन नर्सरी में ये बताना है कि आत्मा जीव है। हाँ 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 हमारी आत्मा जीव है। हाँ हाँ कबूतर की आत्मा जीव है। हाँ 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 पेड़ की आत्मा जीव है। हाँ 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 हवा की आत्मा जीव है। हाँ 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 हवा की और सांप की आत्मा जीव है। हाँ 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 बंदर की आत्मा जीव है। हाँ 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 पर्वत की आत्मा जीव है। हाँ 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 आग की आत्मा जीव है। हाँ 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 मोर की आत्मा जीव है। हाँ 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 घोड़े की आत्मा जीव है। हाँ 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 तितली की आत्मा जीव है। हाँ 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 शरीर अजीव के बारे में अपन पाठ करते हैं। शरीर अजीव है। हाँ हमारा शरीर अजीव है। हाँ बैल का शरीर अजीव है। पेड़ का शरीर जीव है। हाँ कान अजीब है। हाँ आँख अजीब है। हाँ 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 कुर्सी अजीब है। हाँ 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 ट्रेन अजीब है। हाँ 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 टेलीफोन अजीब है। बाल अजीब है। हाँ हाँ बस भी अजीब है। हाँ और ना तुम जीव हो। हाँ 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 हम जीव हैं। तुम्हारे में ज्ञान है। हाँ मुझ में ज्ञान है। हाँ 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 तुम जानते हो। मैं जानता हूँ। हाँ 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 अब देखते हैं ये बच्ची कैसे भगवान को बोल रही है। चलो अपन पढ़ते हैं। शरीर अजीब है ना? देखो वो हाँ बोल रही है शरीर अजीब है। शरीर में ज्ञान है? ना 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 शरीर अजीब जीव है। ना 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 शरीर में ज्ञान है। ना 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 शरीर जानता है। ना 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 शरीर दुख अनुभव का मतलब अनुभव करता है। ना 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 चलो अपने ऊंट दादा क्या बोल रहे हैं। आत्मा और शरीर चलो पढ़ते हैं ऊंट दादा के मुंह से। ऊंट दादा बोल रहे हैं आत्मा जीव है। हाँ 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 शरीर अजीव है। ना 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 हमारी आत्मा जीव है। हाँ हाँ हमारा शरीर जीव है। ना 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 ऊंट की आत्मा जीव है। हाँ हाँ ऊंट का शरीर जीव है। ना 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 पर्वत की आत्मा जीव है। हाँ 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 पर्वत का शरीर अजीव है। ना 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 हवा की आत्मा जीव है। हाँ 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 हवा की का शरीर जीव है। ना 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 आग की आत्मा जीव है। हाँ 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 मछली की आत्मा जीव है। हाँ हाँ मछली का शरीर जीव है। ना 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 पानी की आत्मा जीव है। हाँ 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 पानी का शरीर जीव है। ना 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 आत्मा क्या है? पार्ट नंबर 9 पर आते हैं। चलो अपन ये विनती पढ़ते हैं। भगवान क्यों नहीं करते? चलो अपन पढ़ते हैं ये सब। आप भी पढ़ना मेरे साथ। क्या भगवान खुश होते हैं
आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि भगवान खुश होते हैं कि नहीं। भगवान खुश होते हैं? ना ना ना, क्या हम खुश होते हैं? हाँ हाँ। क्या भगवान को दर्द होता है? हाँ हाँ। क्या हमें दर्द होता है? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान राग करते हैं? ना ना ना। क्या हम राग करते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान देश करते हैं? ना ना ना। क्या हम देश करते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान में इच्छा होती है? ना ना ना। क्या हम में इच्छा होती है? हाँ हाँ हाँ। बताओ ये कौन से भगवान हैं? बताओ बताओ बताओ। महावीर भगवान। चलो अपन ये पढ़ते हैं। आपको तो मालूम ही होगा ये कौन से भगवान हैं। सर्प वाले पारसनाथ भगवान। क्या हम रोते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान सोते हैं? ना ना ना। क्या हम रोते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान रोते हैं? ना ना ना। क्या हम हंसते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान हंसते हैं? ना ना ना। क्या हम डरते हैं? हाँ 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 हाँ। क्या भगवान डरते हैं? ना ना ना। क्या हम बीमार होते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान बीमार होते हैं? ना ना ना। चलो अब ये भगवान बोलते हैं। आपको यही पढ़ के बता देता हूँ। क्या भगवान पुरुष प्रात से बनते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान जन्म लेते हैं? ना ना ना। क्या भगवान आत्मा में लीन रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान में संसार में रहते हैं? ना ना ना। क्या भगवान सिद्ध शिला में रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या हम मारते बचाते हैं? ना ना ना। क्या भगवान मारते बचते हैं? ना ना ना। क्या हम जानते देखते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या भगवान दुखी होते हैं? क्या भगवान जानते देखते हैं? ना ना। हाँ 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 हाँ। क्या भगवान दुखी होते हैं? ना ना ना। क्या भगवान सुखी होते हैं? ना ना ना। और अभी आपको और पढ़ के बताता हूँ। ये मंदिर में आपको विश्वास करने चौंका देने वाली बात है कि आप ये मंदिर में कृपया किराए मत करें। मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मंदिर जी में जूते खोलकर जाना चाहिए। हाँ, मंदिर जी में जूते खोलकर जाना चाहिए। मंदिर जी में चमड़े की बेल्ट बांध कर जाना चाहिए? ना ना ना। क्या मंदिर में दर्शन करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। क्या मंदिर में कुछ खाना चाहिए? ना ना ना। क्या मंदिर में देव स्तुति बोलना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। क्या मंदिर में लड़ना चाहिए? ना ना ना। क्या मंदिर में पूजा करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। क्या मंदिर में खेलना चाहिए? ना ना ना। क्या मंदिर में प्रवचन सुनना चाहिए? हाँ हाँ। और अभी आपको मैं ये विश्वसुदी सदाचार आप सुनिए। क्या आप छना हुआ पानी पीते हैं? हाँ, हम छना हुआ पानी पीते हैं। सही, आपको पीना सही है। क्या आलू खाना चाहिए? ना ना ना, नहीं खाना चाहिए आलू। क्या प्याज खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए प्याज। क्या अंडे वाला केक खाना चाहिए? नहीं, अंडे वाला केक नहीं खाना चाहिए। क्या शहद खाना चाहिए? नहीं, शहद नहीं खाना चाहिए। क्या मांस खाना चाहिए? नहीं, नहीं खाना चाहिए। क्या शराब पीनी चाहिए? नहीं, शराब नहीं पीनी चाहिए। क्या रात में भोजन करना चाहिए? नहीं, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। क्या दिन में भोजन करना चाहिए? हाँ। क्या शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। आपको मालूम गति कितनी होती है? गति अपनी चार होती है। मैं आपसे पूछूं, गति कितनी होती है? गति चार होती है। चारों गति के जीवों को क्या कहते हैं? संसारी जीव। चारों गति के जीव कैसे हैं? दुखी। सुखी जीव कौन है? मुक्त जीव। जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो, मुक्त और संसारी। ये देखो, देव कितने, अगर भगवान को
पंच कर्नाटक देव ही रचते हैं। ये मनुष्य गति, ये त्रियंज गति में देखो तो देखो कितने दुख है, और ये देखो मनुष्य गति में। अपन जिस धरती पर बैठे हैं ना, वो भी जीव है, ये मत भूलिए। देखो तो देखो नरक में कितने वेदना है। इससे अपन नरक नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे। मैं कौन हूँ ये देखो, छोटा नहीं हूँ, नहीं मैं बड़ा नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं पतला नहीं, मैं तो बतलाओ कौन मैं हूँ। आत्मा आत्मा, गोरा नहीं मैं, काला नहीं मैं, बूढ़ा बच्चा नहीं मैं, बूढ़ा नहीं मैं, तो बताओ कौन हूँ मैं। आत्मा आत्मा, ये आप अभी चेतन राजा पढ़ते हैं। चेतन राजा देह पर देह में छिपकर सो रहे, चारों गति में झूम रहे, सुखी की चाह में भटक रहे। चेतन राजा अब क्या करोगे, समकृत लेंगे क्षण में हम। चेतन में जाऊं रम रम, भगवान बनने जन्मे हम। अब सिद्धों को नमन नमन नम नम नम। ये 24 तीर्थंकर के नाम है। ये तो मेरे को मालूम ही है कि आपको 24 तीर्थंकर के नाम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी अपना टाइम खूब ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए अपन ये देख सकते हैं आज। जय जिनेन्द्र आप सभी को, बोलो जय जिनेन्द्र।